अब यूपी की खबरें देखें भी, खबरें पढ़ें भी। उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जोरों शोरों से लगी हुई है। इन दिनों कांग्रेस महासचिव प्रदेश का दौरा भी कर रही हैं। पहले दो दिन वो लखनऊ में रही, जहां पर नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ कई अहम बैठकें की। उसके बाद रायबरेली पहुंची। रायबरेली सीट कांग्रेस का गढ़ माना जा रहा है और यहीं से प्रियंका की मां और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी सांसद हैं। प्रियंका गांधी ने अपने यूपी चुनाव के तैयारी के बारे में दो टूक जवाब भी दिया है, सुनिए। दीदी, यूपी इलेक्शन को लेकर क्या तैयारी? तैयारियां हो रही हैं। हम अब मैंने अपने संगठन, अपने कार्यकर्ताओं से मीटिंग रखी है। भाजपा कह रही है कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है, वो देखा जाएगा किसका अस्तित्व है। रायबरेली के दौरे में प्रियंका गांधी तिलोई के टोडरपुर जमुरवा गांव पहुंची, जहां एक हफ्ते पहले दीवार गिरने से तीन बच्चों की मौत हुई। प्रियंका गांधी ने वहां पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। उत्तर प्रदेश के अमेठी में आज प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली चलते हुए आई और जिस परिवार से मिलने आई हम आ पहुंचे हैं उस परिवार के पास। जो बच्चे की आप हालत देख पा रहे हैं, ये वही परिवार है जहां कुछ दिन पहले जो कच्ची दीवार थी वो गिर गई थी, इसके चलते तीन बच्चों की मृत्यु हो गई थी और दो बच्चे घायल हो गए थे। माता जी मौजूद है जिनसे खुद प्रियंका गांधी मिलकर आई है। माता जी, अभी प्रियंका जी यहाँ पर आई है, क्या बातचीत हुई आपको? जी बताइए। कहीं दवाई पानी कराए, हम सहायता कर भाई। देखो भाई सब। हाँ। उन्होंने आपसे आकर क्या बोला? उनका बोले हैं कि दवाई पानी कराया जाओ, सब हम सहायता करबे, हम देवे सब। उन्होंने आपकी सहायता करने का वादा किया? हाँ, वादा करे हैं सबका। और क्या बोली वो आपसे? काफी देर 10 मिनट बैठी थी यहाँ पर। बैठी रही 10 मिनट, बैठी रही सब। कितने बच्चों का हाल जल जाना? हाल जा ठीक है। और भी आपके पतिदेव कहाँ हैं? और भी ये मौजूद हैं। स्टेट गवर्नमेंट से भी आप लोग को मदद मिली है? हाँ जी, 4 लाख रुपए का मिला है। अच्छा। और बाकी जो है प्रदीप सिंघल की तरफ से 10,000 रुपए मिला है। अच्छा। जी सरकार की तरफ से मिली। अच्छा, प्रियंका गांधी जी भी आई हैं, आप भी मिले होंगे उनसे, क्या वार्तालाप हुआ? जी दवा कराने के लिए बोली, पूरा सहयोग आपका करेंगे हम। अच्छा। आर्थिक स्वार्थ। हाँ जी, 15 मिनट यहाँ बैठी रही, क्या बातचीत हुई? दवा कराने के बोला, मैं दवा करवाऊंगा, जो बच्चे को होगा मदद करूंगा जी। आप लोग को एक्सपेक्टेशंस थी कि प्रियंका गांधी खुद यहाँ इस छोटे से गांव में गड्ढों वाली सड़कों से गुजरते हुए यहाँ आएंगे? जी। आपको उम्मीद थी? हाँ जी, नहीं जी, उम्मीद नहीं था। कभी सोचा था इस छोटे सी कुटिया, छोटे से घर में जो है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि आएंगे मेरे यहाँ। जी खुश हैं आप? जी खुश हैं। तो ये परिवार है और दर्द इस परिवार में जिस तरह का है, मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, कैमरा में नीरज आपको दिखा रहे हैं। दो तीन बच्चे यहाँ पर खत्म हो गए, दो घायल हैं, एक की तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ जो दर्दनाक तस्वीर है। ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा अमेठी, जो कभी एक तरह से स्ट्रांग होल्ड हमेशा से कहा गया है कांग्रेस का, वहां पर एकदम से आती है और गाँव के पतले पतले रास्तों से होती हुई यहाँ पर आती है और इस परिवार से मिलती है और मदद देने का वादा करती है। प्रियंका गांधी ने पीड़ित परिवार को इलाज करवाने के लिए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल और सुनीता सिंह को जिम्मेदारी भी सौंपी है। रायबरेली से समर्थ श्रीवास्तव के साथ यूपी तक ब्यूरो।